नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल नयन जी के वर्ल्ड में। आज हम देखने वाले हैं नेशनल वोटर डे से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस है इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ सेलेक्टेड भी है, इसीलिए आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और यूं ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वोट देने का अधिकार किस आर्टिकल में है? काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 325 और 326। इम्पॉर्टेंट है तो वोट देने का अधिकार किस आर्टिकल में है, 325 व 326। यदि आपको क्वेश्चंस के आंसर्स पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और अपना स्कोर चेक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 25 जनवरी। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 25 जनवरी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक मेरी वीडियो पहुँच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे सेलेक्टेड है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 25 जनवरी 2011 को। तो पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया था, 25 जनवरी 2011 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 की थीम क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। इम्पॉर्टेंट है तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 की थीम क्या है, चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 की थीम क्या है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरा वोट मेरा भविष्य, एक वोट की शक्ति। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 की थीम क्या है, मेरा वोट मेरा भविष्य, एक वोट की शक्ति। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम चुनाव आयुक्त तो कौन थे? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुकुमार सेन। तो प्रथम चुनाव आयुक्त तो कौन थे, सुकुमार सेन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2022 को। ठीक है, तो पहला कब मनाया गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2011 को। ठीक है, तो 12वां कब मनाया गया, 2022 को। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। मेरे चैनल पर 1500 से भी ज़्यादा वीडियोस है जो आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा
हेल्पफुल होगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।